रहने का, एक मिनट रुक, मैं जाऊंगा। अब इलेक्शन की बात आ गई है, सियासत की बात करनी सर। सबसे पहले ये बताइएगा, जब आप पहली बार एमएलए बने, उससे पहले मेंडर का नक्शा क्या था, और आप आपने 5 साल मेंडर को दिए एज एमएलए, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ सर, तो आपने मेंडर का नक्शा कितना बदलने की कोशिश की और क्या क्या मेजर डेवलपमेंट आप बताएंगे सर? देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां तक रोड कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, मेंडर में 3 मेजर सड़कें थी, सुरकोट मेंडर, बीजी मेंडर और केजी मेंडर। बाकी किसी एरिया में सड़क नहीं थी। और आज माशाल्लाह अगर आप देखेंगे तो आपका जो गुरसाई गांव है, आप गुरसाई से ही हैं, इसमें आप देख लीजिए यहाँ कोई 10 के करीब जो है पीएमजीएसवाई और नबार्ड की सड़कें मैंने दी। मैं आपके गांव की ही बात करूंगा, आपके गांव की ही बात करूंगा। मैंने यहाँ आपका सर गुरसाई हाई स्कूल किया, आपका पट्टी हाई स्कूल किया, आपका आपका पड़ाट हाई स्कूल किया, आपका ये जो है मूरी हायर सेकेंडरी स्कूल किया, और ये मैंने स्कूल दिए। और सड़कें आप देख लीजिए वहाँ, ये टॉप गुरसाई से लेके नीचे तक जो है सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। तो इसी तरीके से यही आप अगर आगे निकलेंगे, आप इससे आगे निकलेंगे, सुरुती को टच करेंगे, सलवा को करेंगे, कालाबन पठाना तीर को करते करते छुंगा कसबलाड़ी और ये एरिया में जाएंगे, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने हाई स्कूल नहीं दिया हो। मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने छजला में हाई स्कूल दिया था सबसे पहले, जब मैं पहली बार एमएलए बना, मुझे 40 वोट वहां से मिले थे गांव, पूरे गांव से। लेकिन छजला में स्कूल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि जो मेंडरी नाला है ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, और 8वीं के बाद वहाँ बच्चे जो है मेंडर नहीं आ पाते थे, एक वहाँ ब्रिज वगैरह भी नहीं था। तो मैंने सबसे पहले ब्रिज बनाने से पहले मैंने वहाँ हाई स्कूल किया, मैंने नीड बेस पे काम किए, मैंने पार्टी पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखकर काम नहीं किया है। मैंने मैंने छजला में हाई स्कूल दिया, और उसके बाद ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, वनकोट में हाई स्कूल दिया, दबराज में, सागरा में हाई स्कूल दिया, बंडोई कश्ती में हाई स्कूल दिया, गानी में मैंने हायर सेकेंडरी दिया, गानी खजूर तड़ा में मैंने हाई स्कूल दिया, इसी तरीके से अछात में मैंने हाई स्कूल दिया, कसबलाड़ी में मैंने लोअर कसबलाड़ी में मैंने हाई स्कूल दिया, बरीला में मैंने हाई स्कूल दिया, टोपा में मैंने हाई स्कूल दिया, छुंगा में मैंने हाई स्कूल दिया, छुंगा चिरूर में मैंने हाई स्कूल दिया, गली कालापन में मैंने हायर सेकेंडरी दिया, पठाना तीर में मैंने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल दिया हुआ है, वो तो पिछले साल सेंक्शन करवाया था, सलवा में मैंने हायर सेकेंडरी दिया, और आपका जो सलवा डाड़ है यहाँ हाई स्कूल दिया, भेरा में मैंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक यूनिवर्सिटी के बराबर है वो लाया, कसाब में मैंने हाई स्कूल दिया। तो इसी तरीके से आप अगर जाएंगे अड़ी सुरती और फिर आपका गांव आ जाएगा, तो लिहाजा ये नहीं कि मैंने आपके गांव में ही स्कूल दिए बाकी किसी में नहीं दिए। धरना में मैंने हाई स्कूल दिया, मैंने गोलज में हाई स्कूल दिए, और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने बॉर्डर में भरूती में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल दिया, क्रास्ती डिप कि जहाँ लास्ट सरहद है हमारे मेंडर की और बॉर्डर एरिया है, वहां मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल दिया। और ये सब सभी मैंने कोई वोट पॉलिटिक्स नहीं की, क्योंकि मैंने उस एरिया में भी हायर स्कूल दिए हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल दिए हैं जहाँ से मुझे वोट नहीं मिले, और ना ही कोई कभी आदमी ये सोच सकता था कि हम वोट पॉलिटिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन पर मैंने काम किया, मैंने डिग्री कॉलेज मेंडर में लाया, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए कोई 1200 करार एरिया जो है दाना शाहस्थान में जमीन अलाट करवाई, यूनिवर्सिटी का जो वो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाया था, बदकिस्मती से हमारी सरकार नहीं रही और असम्बली डिजॉल्व हो गई, तो आज तो प्राइमरी स्कूल भी देना बहुत मुश्किल है जो इस वक्त सरकार इस वक्त है। बरकत ये स्कूल एजुकेशन की बात है, स्कूल एजुकेशन में जो मैंने काम किया, और आपको ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि मैंने ईजीएस कोई 800 के करीब ईजीएस सेंटर खोले थे मेडर में, जो बच्चे हमारे सरप्लस भी हो गए थे, और उनको मैंने फिर स्पेशल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेके उन बच्चों को एडजस्ट करवाया। रिकॉर्ड में चीजें हैं, ये सब चीजें, कोई 1000 के करीब जो है, 1000 से ऊपर टीचर जो है मेरे हाथों से लगा हुआ, जो इस वक्त मास्टर ग्रेड में होंगे, टीचर होंगे। मैंने प्राइमरी स्कूल खोले,
इसको दिया था कि अगर ये प्राइमरी स्कूल खोलेंगे तो वहां दो टीचर लगेंगे, ईजीएस सेंटर खोलेंगे तो दो ईजीएस गाइड लगेंगे, तो ये सिलसिला रहा है मेरे टाइम में। आंगनबाड़ी सेंटर हमने दिया तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी रोड कम्युनिकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि मैंने ईजीएस सेंटर से लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक और कलबिया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और मॉडल स्कूल जो पठानकोट का ये सेंक्शन करवाए, तो इंशाल्लाह मैं आज भी लोग याद करते हैं और लोग इस चीज का सबूत भी दे रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं, जब भी कोई मुकाबला होता है, जब भी कोई कंपटीशन होता है, इलेक्शन की बात करेंगे या पार्लियामेंट में, मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट में जो लोगों ने बुधवारी और बहादुरी और का सबूत दिया वो आपके सामने है पूरे पीर पंजाल में। और खासकर ये बताइएगा, आपने जैसे जिक्र किया कॉलेज डिग्री कॉलेज मेंटर का, एक डीडीसी है डीडीसी मनकोट इमरान जफर साहब, वो जब भी कहीं पे इंटरव्यू देते हैं, हमने भी उनसे बात की और ऊपर से साथ में जब वो वीडियोस बनाते हैं वो जरूर जिक्र करते हैं। इवन गुलाम नबी आजाद साहब जब आए उन्होंने जिक्र किया कि डिग्री कॉलेज मेंटर गुलाम नबी आजाद ने दिया, और इमरान जफर साहब का कहना है कि ये मैंने लाया था, मैंने अपने गुलाम नबी आजाद साहब के कहने पर। जी सर, इमरान जफर जी भी हमारे अजीज हैं, तो अगर बात कहते हैं तो हमें उनकी बात नहीं चाहिए, बच्चे हैं, बच्चों का दिल दुखी हो जाता है। बेसिकली गुलाम नबी आजाद साहब का मुझे बड़ा रिगार्ड है। गुलाम नबी आजाद साहब डिग्री कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए आए, सेंक्शन करने के लिए नहीं आए। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि डिग्री कॉलेज पहले सेंक्शन हो चुका था, मुफ्ती साहब के टाइम में मैंने ये डिग्री कॉलेज लिया था, और कैसे लिया था लंबी कहानी है, अगर आप वीडियो निकालेंगे यूट्यूब में जाएंगे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले साल मेंटर में गए थे, मैंने तकरीर में कहा था कि मैंने डिग्री कॉलेज मेंटर कैसे लाया था, आज मैं वो बात रिपीट नहीं करूँगा। तो मैंने ये डिग्री कॉलेज पहले सेंक्शन हुआ था, और फिर ये इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी हमने, क्योंकि यहाँ बड़ी साजिशें थी, इसको डिग्री कॉलेज को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे थे। फिर बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद मैंने जब फिर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो फिर मैंने आजाद साहब से इसका इनॉग्रेशन करवाया था डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज जब आजाद साहब मेंटर में आए थे हो चुका था, उन्होंने डिग्री कॉलेज की क्लास खोलने का इनॉग्रेशन किया था। जी सर, ये बताइएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने अपने दौर में कितनी डेवलपमेंट की? इमरान जफर भी जो है हमारे अजीज हैं, हमारी दवाएं उनके साथ हैं, लेकिन ये डिग्री कॉलेज लाना और ये चीजें लाना, ये सवाल लेजिस्लेटर के की बस की बात नहीं होती है, किसी के कहने पे कॉलेज और कोई नहीं होता है। डिमांड लोगों ने की होगी, इमरान जफर जी ने भी डिमांड की होगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अकेले ही मैंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये डिग्री कॉलेज कैसे आया, किस तरीके से आया, वो मैं ही जानता हूँ या अल्लाह तबारक ताला जानता है। जावेद साहब, ये बताइएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब बात करते हैं ना तो ट्रॉमा हॉस्पिटल है, मेंडर की हॉस्पिटल की बात करें बुरी हालत है, आज जो भी पेशेंट जाते हैं अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन जो है वो भी अच्छे से नहीं काम करती है, तो आपने अपने दौर में कितना काम किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे? सर देखिए, ये मुझे भी अंदाजा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है पेरिफेरी में और रूरल एरिया में। आप ये देख लें, हमने कोशिश की थी, आप अगर बल्लोई जाएंगे, बल्लोई क्योंकि इस मैटर का लास्ट हमारी पंचायत है, वहां भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम मैंने दिया था, और वहाँ एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, और वहाँ बिल्डिंग के साथ एक बड़ी अच्छी एम्बुलेंस खड़ी रहती है राउंड द क्लॉक। स्टाफ की जो है डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, ये गवर्नमेंट को हम ये बात कहते रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ हमने बिल्डिंग स्टार्ट करवाई थी उससे आगे कुछ चल नहीं पाया है। ये पूरी मैं सब डिविजन मेंडर की बात करूंगा, तीनों जिलों की बात करूंगा, इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमने काम शुरू करवाए थे उसमें जो मशीनरी लाई थी, जो हमने एम्बुलेंसेज वगैरह लाई थी, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस मैंने लाई थी और दूसरी एम्बुलेंस वगैरह, और वहाँ अच्छी फैसिलिटी है। मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेंडर जो है बहुत अच्छे हमारा वहाँ डॉक्टरों की टीम है, और मुझे खुद अंदाजा हुआ इसका, क्योंकि
मुझे भी कभी कभार हम जाते थे तो लोगों की बात सुनते, जब बीमार के पास जाते हैं तो बीमार तो रोता ही है बेचारा। तो मेरा भी इंप्रेशन जो है, मैं खुद बीमार हुआ पिछले दिनों में, मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा कि वहाँ आपके पास क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, हमारे वहाँ कितनी मशीनरी है, कितने हमारे काबिल डॉक्टर हैं, ये खुद जब आदमी डील करता है तो पता चलता है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जो मेडल की टीम है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, और मैं लोगों को भी कहूंगा कि हमारी अच्छी टीम है मेडल में डॉक्टरों की, और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला उनकी जिंदगी में बरकत करे, और जिस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं कौम मिल्लत की, इस तरीके से करते रहे। जावेद साहब जरा ये बताइएगा,